रिसेंटली हमने किया बॉलीवुड हार्टथ्रॉब सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्पॉट मुंबई में चल रहे आर्ट फेस्टिवल में, जहां सिद्धार्थ दिखे इस फेस्टिवल को लेकर काफी एक्साइटेड। ये फर्स्ट टाइम है कि सिद्धार्थ अटेंड कर रहे हैं मुंबई का ये प्रेस्टिजियस आर्ट फेस्टिवल। Really excited to be here to see that enthusiasm, and I think that hopefully that stays all throughout the festival. So thank you guys for that warm welcome. सिद्धार्थ रखते हैं दिल्ली से ताल्लुक, ऐसे में उनके लिए ये एक्सपीरियंस बन जाता है और भी ज्यादा खास, और खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं सिद्धार्थ। As he said, I'm a Delhi boy, so I wouldn't say that I've grown up seeing this festival, but obviously we've read and heard about it, and sadly this is my first time here. Read multiple stories about how they promote art here in this wonderful area which all of you are lucky to stay in, which is extremely I think has great amount of heritage in it, and you're surrounded by architecture which is I think as good as anywhere else in the world. सिद्धार्थ ने इस फेस्टिवल को किया फुल ऑन एंजॉय। एज एन एक्टर सिद्धार्थ का ये एक्सपीरियंस रहा काफी ऑसम। या आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट फेस्टिवल, प्रमोटिंग आर्ट इज और प्रमोटिंग आर्टिस्ट व्हिच इज आई थिंक अ ग्रेट पॉजिटिव टू द सोसाइटी। दे आर द वंस हु मेक अस फील थिंग्स, फील इमोशंस, समटाइम्स टेक ऑल द स्ट्रेस अवे ऑफ योर मंडेन लाइफ। आई थिंक मोर पावर टू ऑल द आर्टिस्ट हियर। As we told you earlier, सिद्धार्थ जल्द नजर आएंगे आलिया भट्ट, फवाद खान और ऋषि कपूर के साथ करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी फिल्म कपूर एंड सन्स में। अब कैसी रहेगी सिद्धार्थ की ये पारी, ये देखना होगा काफी दिलचस्प।